गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, मैं निशा गोयल MDM चिल्ड्रन अकेडमी में क्लास सेकंड के बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी का चौथा पाठ चिड़िया के बारे में बताती हूँ। यह कविता है चिड़िया के बारे में बताई गई है, जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कोल। इसमें बताया गया है कि चिड़िया तिनके चुनकर लाती है और उन तिनकों से अपना घोंसला खुद बनाती है। चिड़िया कभी वनों में, कभी घरों में और कभी फूलों पर नाचती है और गीत गाती है। इसमें बताया गया है कि चिड़िया को कभी पिंजरे में नहीं डालना चाहिए और इनको खुला छोड़कर इनकी देखभाल करनी चाहिए। आओ बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे। तिनके चुनकर लाती चिड़िया, अपना नीड बनाती चिड़िया। नीड का होता है घोंसला, कि चिड़िया तिनके चुनकर लाती है और उन तिनकों से वह अपना घोंसला खुद बनाती है। चाहे मुन्ना हो या मुनिया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया, घर 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 की गुरैया बनकर सबका मन बहलाती चिड़िया। चाहे मुन्ना हो, चाहे हो मुनिया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया हो, गुरैया करता है चिड़िया, कि चिड़िया घर घर जाकर सबके मन को क्या करती है, बहलाती है। घर में फन में और फूलों पर, डाली के हिलते झूलों पर। वन का होता है जंगल, डाली करता है टहनी या शाखा, कि चिड़िया कभी घरों में, कभी जंगलों में और कभी फूलों पर, और वह कभी टहनी के झूलों पर झूलती है, कभी फुदक कर नाच दिखाती, कभी गीत सा गाती चिड़िया। वह कभी पेड़ की शाखा पर नाचती है और कभी गीत गाती है। इसको पिंजरे में मत डालो, खुला छोड़कर इसको पालो, आज़ादी की खुली हवा में अपने पर फैलाती चिड़िया। पर का होता है पंख, कि चिड़िया को कभी पिंजरे में नहीं डालना चाहिए और खुला छोड़कर इनकी देखभाल करनी चाहिए, और खुली हवा में ही चिड़िया अपने पंखों को फैलाती है।